हाय हाय मैम। क्या नाम है आपका? पूजा वीरेंद्र पांडे। पूजा वीरेंद्र पांडे, कहाँ से हैं आप? मुंबई। ओके, यस। तो अभी आप यहाँ पर कौन से यूनिवर्सिटी में हैं? मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, यस। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ? फर्स्ट ईयर। नीट क्वालिफाई करके आए होंगे आप? हाँ जी। कितना स्कोर था नीट में आपका? 420। 420 के बाद जो है आपने अब्रॉड का एजुकेशन जो है वो चूज किया, स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड। ओके, नाइस। तो यहाँ पर कैसा आपको इस यूनिवर्सिटी में आकर के लग रहा है? मींस जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए है ना, तो आपको जो भी सपोर्ट मिला होगा, जो भी बताया गया होगा, तो क्या क्या आपको फील हुआ यहाँ पर आकर के, कैसा लगा, कैसा सपोर्ट है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो मुझे इंडिया से बेटर ही लगा। कुछ भी मुझे ऐसे ड्रॉबैक्स नहीं दिखाई दिए। और रही बात सीनियर्स और स्टाफ्स की, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। मतलब हर जगह से, स्टडी से लेके बाकी भी जो हमको डेली को ज़रूरत पड़ती है, फिर हम कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे अभी हमको यहाँ थोड़ी रशियन समझ नहीं आती स्टार्टिंग में, तो उन सब चीज़ों में भी काफ़ी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपकी जो स्टडीज होती हैं वो तो इंग्लिश में ही रहती होंगी? हाँ, पूरी की पूरी इंग्लिश में ही है। okay. कम्प्लीटली इंग्लिश है। okay. बस हमको जो पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा हॉस्पिटल जाने के टाइम, उसके लिए हमको थोड़ी सी रशियन सीखनी पड़ेगी, बाकी सारा कुछ इंग्लिश में ही है। अभी यूनिवर्सिटी में आपको जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपने विजिट किया होगा, आपकी क्लासेस भी लगी होंगी, तो वहाँ पर क्या आपको जैसे कि कैडेवर वगैरह होता है, तो उस पर आपको डाइसेक्शन कराया जाता है फर्स्ट ईयर में? हाँ जी, कोविड की वजह से, और हम काफ़ी लेट हो गए इस बार, हम बहुत लेट आए इंडिया से कोविड की वजह से, सब कुछ थोड़ा सा जंबल हो गया। लेकिन हाँ, कैडेवर ज़रूर देंगे। अभी जब हम सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू होंगी सेकेंड ईयर की, तब हमें कैडेवर्स मिलेंगे। ओके, ये आपका हॉस्टल का रूम है राइट? हाँ जी, ये 2-सीटर रूम है, तो इसमें आप लोग 2 लोग यहाँ पर हो, तो काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। हाँ, काफ़ी स्पेशियस है, कबर्ड भी है। ओके, ये आपका एंट्रेंस है इधर से, और आपका वॉशरूम भी है साथ में अटैच। वॉशरूम। ओके, तो यहाँ पर किसी चीज की फूड वगैरह का क्या रहता है आपका? फूड हमको इंडियन ही फूड मिलता है, और काफी अच्छा रहता है। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फूड को लेके, या किसी भी चीज को लेके ऐसे हम बोल नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हर जगह से लोग बहुत सपोर्टिव है, सीनियर स्टाफ एवरीवन। तो आप जैसे आए यहाँ दिन के थ्रू, हम कंसल्टेंसी के थ्रू जो भी आए हैं आप यहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर कि उनका सपोर्ट आपको रहता है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और हमेशा रहता है। इनफैक्ट वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सामने से पूछते हैं। टिल द ना एडमिशन टाइम टू ज्वाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको हर तरह का सपोर्ट मिला? कोई कहीं कुछ दिक्कत हुई? हर तरह से नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे अभी तक, हर तरह से। मतलब इंडिया से लेकर के यहाँ तक की आपकी जो जर्नी है, सपोज इंडिया मतलब एयरपोर्ट से लेकर यहाँ हॉस्टल तक पहुँचने का, और आपको सेटल करना, सारी चीजें उन्होंने करके दी, रूममेट्स वगैरह सेलेक्ट करना, हर चीज उन्होंने हमारे हिसाब से करके दी, मतलब हमारी चॉइस के करके दी। ऐसे तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए और स्टूडेंट्स को कैसे रिकमेंड करना चाहेंगे? मारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए ऑब्वियसली। और गर्ल्स के लिए कैसा है यहाँ पर? गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गर्ल्स हो, वो पहली प्रायोरिटी तो यही देंगी, और उस चीज़ के लिए मुझे मारी बेस्ट लगता है। आपका जो इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में MBBS करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर वो अब्रॉड करना चाहते हैं तो वो मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। लाइक मुझे पता है कि वो बेस्ट है वन ऑफ द, सो मैं ये रिकमेंड करूँगी। पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? पेरेंट्स के लिए कि हम आपके पेरेंट्स का प्रोटेक्टिव है यहाँ पर, लोग काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Okay, that's great. Yeah. और टीचर्स आपको? टीचर्स भी काफी अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ओके, आपके स्टडीज में एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं आपको समझाने में? हर चीज़, कहीं भी दिक्कत होती है तो आपको? नहीं, मुझे तो कोई नहीं, और किसी को भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे किसी से भी आप पूछो तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच पूजा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक्स अ लॉट।